जी उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त मलेशिया में, और अगर आपको मलेशिया के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चैनल पर दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि भाई मलेशिया के हालात कैसे हैं, अभी भी हालात कुछ बेहतर हुए या नहीं बेहतर हुए। और अभी भी बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मेरे क्या कहते हैं मलेशिया आना चाह रहे हैं और विज़िट पर आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं उनसे विज़िट वालों को कहूँगा कि यार खुदारा अपने ऊपर रहम करें, विज़िट पर मत आएं। देखिए, विज़िट पर ना आने की एक वजह यह है कि गवर्नमेंट ने अभी बकायदा ऐलान किया हुआ है कि जो बंदा 2023 में आया है या आएगा हम उसको वीज़ा नहीं लगा कर देंगे। तो यार आने का फ़ायदा ही क्या है, अभी आपके वीज़े पता नहीं कब लगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि यार छापों पे छापे पड़ रहे हैं, भाई इतने ज़्यादा छापे पड़ रहे हैं कि आपकी सोच है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं क्या कहते हैं उनको पकड़ रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये यार बहुत बुरी बात है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार अगर आप आते हैं यहाँ पर वीज़े खुले हों तो चलो अच्छी बात है, बंदा आता है और वीज़ा लगवा लेता है। अब वीज़े ओपन ही नहीं हैं, आप 2023 में आएंगे न जाने कब वीज़ा ओपन होगा, एक साल भी लग सकता है, दो साल भी लग सकते हैं। तो इतनी देर आप ओवर स्टे होकर यहाँ पर इलीगल कैसे रहेंगे, अभी वो वाले हालात नहीं है जो लोग पहले मज़े करते थे, जो बताते थे कि भाई ऐसा है ऐसा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सख्त की हुई है गवर्नमेंट ने भाई, इमिग्रेशन वाले बहुत सख्ती से देख रहे हैं लोगों को, भाई बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है गवर्नमेंट ने और इलीगल लोगों को बिल्कुल पकड़ रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि आप आ जाओ मलेशिया में विज़िट पर आ जाओ उसके बाद मैं आपको वीज़ा लगवा दूंगा, भाई नहीं लगेगा यार, आपसे झूठ कह रहा है यार, यकीन करें झूठ कह रहा है यार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अभी विज़िट पर मत आएँ, आना है तो आप वर्क वीज़े पर आ सकते हैं, चाहे वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा हो या दो साल का। इससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल हामी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के वर्क पर, लेकिन मैं अभी कहता हूँ कि यार कॉन्ट्रैक्ट का ही काम बेस्ट है, क्योंकि इसमें यह है कि आपको ना निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो आपकी जो सैलरी है ना वो चलती रहेगी। तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो विज़िट पर आ रहे हैं उस यार अगर आपने वीज़ा लगवा लिया ना, टिकट नहीं करवाया, तो 30,000 का यार वीज़ा कोई मसला नहीं है यार, एक्सपायर होने दो भाई, कोई नहीं है, यहाँ आकर इससे ज़्यादा आपके लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो यही आपके लिए बेहतर है। सेकेंड बात भाई, आप यकीन करें एक एक रूम में तीन तीन लोग बैठे हुए और तीन तीन माह दो दो माह से रूम में बैठे हुए कि जिनको काम नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तो आप पहुँच जाएंगे, किसी तरह पहुँच गए, उसके बाद दो दो महीने तीन तीन महीने घर बैठे रहोगे, भाई खाना पीना कहाँ से करोगे, पाकिस्तान तो नहीं है कि 10 रुपये की रोटी या 20 रुपये की रोटी मिल जाएगी, यहाँ रेंगेट में आप रोटी खाओगे भाई, अगर आप एक रोटी भी खाते हो ना तो 200 पाकिस्तानी रुपये की आप रोटी खाओगे। तो आपने जब यहाँ पर आओगे और जेब में पैसे नहीं होंगे तो पाकिस्तान से मंगवाने पड़ेंगे, फिर एक रोटी के पैसे 10 रुपये या 20 रुपये नहीं, आपने एक रोटी के पैसे 200 के हिसाब से मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से रिंगिट कन्वर्ट करोगे आप, 60 रुपये का रिंगिट है और 3.5 रिंगिट की एक रोटी है, तो आप कितने की बनती है आपकी वहाँ पर रोटी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अभी विज़िट वीज़ा पर मत आएँ। देखें एक रूम में तीन तीन लोग बैठे हुए, चार चार इससे भी ज़्यादा रूम में लोग बैठे हुए, और इतने ज़्यादा टाइम से फारिग हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग तुर्रम खान थे जिन्होंने यहाँ 10-10 साल गुजारे ना, उनको भी काम नहीं मिल रहा। एक बंदा अभी रिसेंटली पाकिस्तान गया, 4-7 तारीख को पाकिस्तान गया, आप यकीन करें यहाँ उसने मलेशिया में 7 साल लगाए और कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे मलेशिया दोबारा आया था, कोरोना में वापस गया था, 7 साल मलेशिया लगाए, दोबारा आया था कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे, इस 7 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी और वो वापस चला गया। क्यों मैंने पूछा, क्यों मुझे पता भी नहीं था, वो उसने जब जस्ट क्या कहते हैं स्टेटस लगाया तो मैंने उससे पूछा भाई क्या मसला है, तो उसने कहा भाई हालात ही नहीं है, काम ही नहीं है यार, क्या करें। तो आप अंदाज़ा करें यार, 7-7 साल से जो लोग यहाँ पर जिन्होंने काम किया, जिनको तजर्बा हो गया इतना काम करने का, यहाँ पर रहने का, जिनको ज़बान आती है, जो सब कुछ जहाँ इनको पता है यहाँ का, उनको काम नहीं मिल रहा। तो भाई आप नए आने वाले लोगों को आपको क्या लगता है आपको कैसे काम मिल जाएगा, जब तक आपके यहाँ कोई होगा नहीं, और यहाँ पर कोई होगा भी ना आप यकीन करें सगा भाई भी यहाँ बस बहुत मुश्किल होता है। तो यार मेरा तो कुछ भी नहीं जाता, मैंने तो आपको सिर्फ समझाना है। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि 30,000 ज़ाया हो जाए कोई मसला नहीं, अगर आपके वीज़ा आया हुआ है कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ आकर ना बहुत जलील हो जाओगे। आना है तो वर्क वीज़े पे आओ भाई, विज़िट वीज़ा पर ऐसे मत आओ अभी, तो काम के हालात बहुत ख़राब हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार बात मेरी जो है वो आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।